वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, तुसी वेख रहे हो कथा गुरबाणी विचार। सब तो पहला तुसी चैनल नूं सबसक्राइब कर लवो ते नाल ही बैल आइकन जरूर दबा लवो ताकि हर एक वीडियो की अपडेट तुहाडे तक पहुँच सके। अते नाल ही जेकर तुहानूं इह वीडियो चंगी लगी तां इस नूं लाइक अते शेयर जरूर करियो। प्यारी साध संगत जी, जिमें कि अजकल हर मनुख नूं बीमारियां ने घेरिया होया है। कोई विरला ही शायद चंगी सेहत दा मालक होएगा कि उसनूं कोई बीमारी जां दुख ना होए, पर उसनूं कोई ना कोई स्किन प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम जरूर होएगी। अज इस वीडियो विच दसांगे अजिही चीज जो कई प्रॉब्लम का हल करेगी। जिमें कि जे समय तो पहला वाल चिट्टे हो गए ने, मूँह ते पिंपल बहुत होंदे ने, शरीर विच खून की कमी है, अखां की रोशनी, जोड़ां च दर्द, लत्तां गोडे दुखना, मोटापा, झुरियां, भुख ना लगना, गैस की समस्या, चमड़ी का रोग आदि कई समस्या ने, तो अज यह वीडियो सिर्फ तुहाडे लई है। पहले बजुर्ग अपने बहुत काम काज करते, खेचल करते सन, धुप छां की फिक्र ना करते हुए सारा दिन खेतों में काम करते सन। पर अजकल हुण यह काम कोई नौजवान नहीं करना चाहता। अज एसी कूलर करके कोई कमरे विचों बाहर निकलना नहीं चाहता, तो शरीर भी गर्मी सहन योग नहीं रहे, तो अंदरों अंदर यह शरीर रोगी बन गए ने। पर इन्हां कई समस्यावां दा हल इसनूं सवेरे सवेरे खाना है। ये औषधीय शहद एक चम्मच सवेरे सवेरे कोसे पानी नाल खाओ, ये शरीर दे कई रोगों नूं ठीक करती है। दूजा है अपने घर विच पई हल्दी, ये रात नूं अपने दुध विच पा के पियो, ये स्किन प्रॉब्लम लई सब तो वड्डा वरदान है। कदे कोई पिंपल नहीं होएगा, चेहरा चमकदार बनेगा, झुर्रियां नहीं पैणगियां। तीजा है निम दा रुख, इसके छोटे छोटे पत्ते तोड़ के रोज खाओ, ये कई रोगों तो मुक्त कराएगी। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।